अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द किचन गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हॉलीडेज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे। हम भी आए हुए हैं अम्मी के घर। मेरी अम्मी यहाँ पे गांव में रहती हैं, तो ये देखें उनकी अंगूर की बेल, देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई हुई है। तो हम आए थे, दो छुट्टियाँ थी तो गाँव में आए थे कि चले छुट्टियाँ तो चले चलते हैं गाँव में। तो यहाँ आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। गांव का माहौल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है, कितना सुकून है वहाँ पे। तो मैं सुबह सुबह उठी थी अपनी वही रूटीन के मुताबिक, तो आई हूँ मैं छत पे और यहाँ पे देखें ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और इन्होंने पूरी, अम्मी बता रही थी कि एक दफ़ा मैं यहाँ इनको काट चुकी हूँ, अब मतलब इनकी कटिंग कर दी थी, इतनी ज़्यादा फैल गई हुई थी, तो अब दोबारा से कटिंग की है तो दोबारा से इनके ऊपर ना फ्रूटिंग हो रही है। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कहाँ कहाँ फ्रूटिंग हो रही है इसकी, और ये देखें कितनी ग्रोथ है, कहाँ तक फैली हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी हर तरफ, ये देखें कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी भाभी ने भी छत के ऊपर ना कितना अच्छा माहौल बनाया हुआ है उन्होंने। ये देखें छत के ऊपर लगाई हुई है सारी जो बीन्स वगैरह, मिर्चें, ये देखें छोटे छोटे पॉट्स में लगाई हुई हैं मिर्चें, और ये लगी हुई हैं सारी बीन्स, फलियाँ जिसको बोलते हैं, इस अंदर करेले की बेल भी लगी हुई है, और ये देखेंगे ये हैं भिंडियाँ, काफ़ी अच्छी, इनको भी शौक है बड़ा पौधों का। काफ़ी अच्छी कोशिश की है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो जो मिला है ना, मतलब उन्होंने, उनके पास इतने गमले नहीं हैं, लेकिन ये देखें जो पेंट वाली बाल्टियाँ, दूसरी जितनी भी जो भी चीज़ मिली है उसमें उन्होंने लगा दी हुई हैं। और फ्लावरिंग प्लांट भी देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, ये देखें कितने अच्छे फ्लावर, देखें। और ये करेले की बेल लगी हुई है, ये शायद पोनी टेल है या पता नहीं क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो मुझे किया ना वो किया मुझे इन मिर्चों ने। मिर्चों के आप देख रहे हैं ना सारे, जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आएंगे ना सारे मिर्चों के प्लांट ही लगे हुए हैं, ये देखें। मैंने काफ़ी सारी मिर्चें तोड़ी हैं और बीन्स भी तोड़ी हैं, मुझे तो रहा नहीं गया कोई भी। मैंने कहा हम नाश्ते में ना यही बनाएंगे, ये बीन्स की कोई और वैरायटी है, इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर लगे हुए हैं, ये देखें, और ये कैसी फैली हुई है यहाँ पर, और वो देखें यहाँ मैं अम्मी से लेके गई थी वो पनीरी जो इसकी वाइट कलर के बैंगन की, और ये देखें इनके भी वाइट कलर के बैंगन वगैरह लगे हुए हैं, और ये देखें मिर्चों की तो लहदा लहदा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से। मेरी अम्मी के हाथ में तो जादू है, वो कह रही थी कि मैंने ये घर की जो मिर्चें लेके ना उसी से इनकी पनीरी बनाई थी, और वही मिर्चें उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं, और इतनी फ्रूटिंग हुई हुई है ना, ये देखें ये देखें मिर्चें ही मिर्चें, मिर्चें ही मिर्चें, और ये देखें ये वैरायटी देखें, इतनी छोटी सी पतली सी मिर्चें, उसका पौधा भी ये देखें डिफरेंट है ज़रा, और रेड मिर्चें, दूसरी मिर्चें सारी, और ये वाली जो वैरायटी है ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देख इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। मैं तो भाभी के कह रही थी कि तो आपने उतार लेनी थी सारी, और साथ में ये देखें गुले दोपहरी जो है इसके, देखें कितने प्यारे फ्लावर हैं, ये पिंक कलर के और ये शॉकिंग कलर के, कितने अच्छे लग रहे हैं ना माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा मुझे इसका मज़ा है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बस तोड़ती ही जाऊं, इतनी मैंने बीन्स भी तोड़ी हैं और मिर्चें भी काफ़ी सारी तोड़ी हैं, जो रेड हो गई थी वो भी तोड़ी ली हैं, और जो दूसरी थी मैंने कहा इनका हम नाश्ता बनाते हैं, और बाकी वाली जो मिर्चें मैं कहूँगी इनके ऊपर स्टोर कर लें। देखें बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से गार्डन है ये देखें, और अच्छी कोशिश है इस तरह की एक्टिविटी करते रहना चाहिए जिनको शौक होता है। मेरी अम्मी को बहुत शौक है, उस वजह से देख के तो मेरी भाभी को भी शौक हो गया हुआ है, तो उन्होंने ये देखें अपने छत पे ये देखें सारा बनाया हुआ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा। तो मेरा दिल किया मैं छोटी सी वीडियो बना के तो आपको दिखाऊँ, ज़रूर वीडियो ज़रूर देखा करें, इसको लाइक एंड शेयर भी किया करें। ये देखें एक तोरी भी मुझे मिली है, और बाकी सारी ये देखें बीन्स हैं, और साथ में मैं यहाँ पे रख के ना आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये देखें ये सारी बीन्स है, कुछ मिर्चें थी रेड वाली और बाकी ग्रीन वाली, और ये एक तोरी भी पड़ी हुई थी ये भी मैंने उतारी है, ये देखें
ये तो उन्होंने छत पे लगाई हुई है ना भाभी ने अपने शौक के लिए छोटा सा, लेकिन मेरी मम्मी ने जो हवेली में गार्डन बनाया हुआ है ना उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा उन्होंने वहाँ पे ना सारी वेजेस वगैरह लगाई हुई हैं, इतनी अच्छी लगी हुई है। ये था मेरी भाभी का छोटा सा गार्डन, तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आपको। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके अल्लाह हाफिज़।